बात करेंगे डींडवाना की, जहां पर खटीक समाज ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में घायल हुए स्कूटी सवार हेमराज खटीक को मुआवजा दिलाने समेत दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। खटीक समाज ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों ने कहा कि 5 दिसंबर को राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। हत्यारों ने गोलीबारी कर फरार होने के लिए वहां से गुजर रहे स्कूटी चालक हेमराज खटीक को जबरदस्ती रुकवाया और उसकी स्कूटी मांगी। हेमराज के मना करने पर उस पर भी फायरिंग कर डाली, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद अब खटीक समाज ने घायल हेमराज खटीक को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर और शासकीय नौकरी दिलाने की मांग की है। साथ ही हेमराज के इलाज पर खर्च का संपूर्ण रुपया राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की मांग की है। समाज के लोगों का कहना है कि यदि हेमराज को मुआवजा और सहायताएं मुहैया नहीं कराई गई तो डींडवाना नगर में सर्व समाज आंदोलन करेगा। जिस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें हमारे एक खटीक समाज के हेमराज जो भाई अपने स्कूटी लेकर जा रहे थे, उनके जो अज्ञात लोग थे उन्होंने 2 गन तान कर उनको स्कूटी लेकर और 2 गोलियां चलाई, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल है। हमारी मांग ये है कि हमारे समाज के हेमराज को 2 गोलियां लगी खटीक को, उसके लिए न्याय लेने के आए लिए आए हैं। प्रकरण ये है कि हेमराज जी अपने दिनचर्या के अनुसार वो गरीब आदमी है, अब दाना कबूतरों को डालने के लिए या बेचने का काम करते हैं। वो उधर से जा रहे थे और जो बदमाश थे उन्होंने उनकी स्कूटी छीनने का प्रयास किया, उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने उनके भी 2 गोलियां लगा दी, एक गाल पे लगाई और एक जान पे लगी, गंभीर रूप से। वो एक गरीब परिवार है, हम सरकार से ये चाहते हैं कि उसकी मदद की जाए।